तो जैसे गाइस आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की हुई है और उस वो सीरीज के अभी तक 2 वीडियोस हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है एंड ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये मैं अभी आप लोगों को बता दूं। एंड वो सीरीज का नाम है द बेट पेंटिंग्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि आई होप मेरे हिसाब से अच्छी चल रही है। आप भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा और हर एक को शेयर कीजिएगा इस सीरीज के वीडियोज को। तो अभी मैं बेसिकली बताने आया हूँ कि ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है, तो अभी भी इस सीरीज के 5 वीडियोस बाकी है, 5 वीडियोस। तो यार 5 वीडियोस को भी आप लोगों को मिस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि आप लोग यार इस चैनल में से जो भी वीडियो आएंगे, साथ ही में इस सीरीज़ के जो भी वीडियोस आएंगे, वो आप लोग एक भी मिस ना करो, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंडियन को। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपके साथ साथ हर एक को कहिए प्लीज़ सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में एक और चीज़ कि आप लोगों को इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पर देखना है, ताकि आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाओ अच्छे से, साथ ही में इस वीडियो की आप लोगों को बेटर क्वालिटी मिले, आप लोग जो भी देखोगे वो आपको देखने में भी अच्छा लगे, इसलिए फुल स्क्रीन मोड पर देखिएगा। और जानिए एक वीर मराठे की हिस्ट्री, ठीक है, देखिए फिर। तो आज की कहानी एक अच्छे मामा की है और साथ ही में एक राजा के पत्नी के भाई की है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक वीर मराठे की, जिसका नाम था सरसेनापति हंबीरराव मोहिते। वैसे इनका नाम हंसाजी मोहिते था, पर हमारे महाराज ने उनको हंबीरराव का खिताब दिया था, इसलिए उनको हंबीरराव मोहिते के नाम से लोग जानते थे। तो जो पहले सेनापति थे, जिनका नाम था प्रतापराव गुजर, तो वो बहलोल खान से लड़ते हुए उन्हें वीरगति प्राप्त हो गई। तो इस वजह से उसके बाद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हंबीरराव मोहिते को सर सेनापति की पदवी दी। हंबीरराव मोहिते ने अपने कार्यकाल में नई युतियाँ लगाकर बहुत से किले हासिल करने में छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत मदद की। हंबीरराव मोहिते भी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाले थे, इसलिए इन्होंने भी किसी भी साधारण व्यक्ति को जुर्म होते हुए नहीं देखा, किसी पर भी जुर्म होने नहीं दिया। और इनके कार्यकाल के समय ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। पूरे स्वराज्य पर काले बादल छा गए थे, सभी को लग गया था कि अभी स्वराज्य खत्म हो गया, अभी बहुत से दुश्मन जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो हमको जुल्म करेंगे, हम सब पर राज करेंगे। सभी के लिए वो एक दुखमय दिन था और पूरी की पूरी प्रजा उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी थी। अभी सभी लोग समझ गए थे कि हम लोगों को अभी फिर से जुल्म करना पड़ेगा, हमारा स्वराज्य है वो ख़त्म हो गया, अभी हम लोगों को जो फ्रीडम था वो हम लोगों को नहीं मिलेगा, हम लोगों को फिर से दुश्मनों की गुलामी करनी पड़ेगी। पर नहीं, हमारे हंबीरराव मोहिते ने ऐसा फैसला लिया कि जल्द से जल्द छत्रपति हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज बनेंगे, आगे के राजा हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज बनेंगे और वो ही आगे स्वराज्य चलाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज राजा बनते ही उन्होंने हमारे स्वराज्य को खड़ा रखा, गिरने नहीं दिया, हमारे धर्म को जारी रखा और साथ ही में हंबीरराव मोहिते के साथ मिलकर लड़ाइयाँ शुरू रखी और हमारे स्वराज्य को बढ़ाते रहे। शिवाजी महाराज जाने के दुख में होकर भी कोई रुका नहीं, सभी आगे बढ़ते रहे, बहुत से लड़ाइयाँ जीती, बहुत से किले जीते, पर आखिर उन लोगों का सामना करने मुगलों के साथ साथ पुर्तगाल भी आ गए थे। अब पुर्तगाल अंग्रेज होने के कारण उनके पास बहुत ही एडवांस चीज़ें थी, जैसे कि बंदूक हो गए, बहुत बड़े बड़े तोप हो गए। इस वजह से हमारे जो सैनिक थे वो उनसे मुकाबला करने में थोड़ा पीछे पड़ रहे थे, पर वो कोई भी रुका नहीं, हमला करते रहे, लड़ाइयाँ जीतती गई और हम लोग भी आगे बढ़ते गए। छत्रपति संभाजी महाराज को मदद करने के लिए हंबीरराव मोहिते हमेशा ही आगे रहते थे, हमेशा ही उनको मदद करने के लिए और उनको सहाय करने के लिए आगे रहते थे। इसी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को भी अपने मामा पर बहुत गर्व था, ऐसा लगता था कि काश यही हमारे मामा हमेशा के लिए रहे। तभी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने एक वाक्य कहा था हंबीरराव मोहिते से कि यार
मामा हो तो आपके जैसा हो या फिर ना हो। और तभी हब्बीर राम मोहिते भी उनसे ये कहे थे कि राजा हो तो आपके जैसा हो, जो प्रजा को सूख दे और हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ाए। ये बात सुनकर छत्रपति संभाजी महाराज भी भावुक हो गए थे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम्बीर राम मोहिते की जो बहन थी सोयराबाई, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी थी, तो उस नाते से हम्बीर राम मोहिते छत्रपति संभाजी महाराज के मामा हुए। और हम्बीर राम मोहिते की भी एक बेटी थी जिसका नाम था तारा रानी, तो वो भी बहुत शूर थी, बहुत ही चपड़ और बलवान थी, जो कि आगे जाकर राजा राम महाराज यानी कि इनकी बहन सोयराबाई जो थी, उनका जो बेटा था राजा राम महाराज, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के पहले पत्नी के बेटे थे और सोयराबाई दूसरी पत्नी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उनका जो था वो दूसरा बेटा था जिनका नाम था राजा राम महाराज। तो उनका और हम्बीर राम मोहिते के बेटी तारा रानी का, इन दोनों का आगे जाकर विवाह हुआ। और आगे जाकर तारा रानी ने हमारे स्वराज्य को संभाला था। और जो भी मतलब कि औरंगजेब ने हम लोगों के हमारे जो वीर थे जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनको जितना भी उन्होंने पीड़ा दिया था उन सब का बदला लिया था, यानी कि औरंगजेब को मार डाला था। इस चीज़ के बारे में हम लोग कई किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर हम्बीर राम मोहिते एक निष्ठावंत मराठा था जिन्होंने हमारे दोनों राजा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, इन दोनों को स्वराज्य खड़ा रखने में मदद की। और आगे तक इन्होंने और भी लड़ाइयाँ जीती और सब छत्रपति संभाजी महाराज के साथ मिलकर स्वराज्य को आगे बढ़ाया, धर्म को आगे बढ़ाया। आखिर में हम्बीर राम मोहिते 16 दिसंबर 1687 को मारे गए एक लड़ाई के दौरान। तो ऐसे थे वीर मराठे हम्बीर राव मोहिते। कैसी लगी इनकी स्टोरी ज़रूर बताना कमेंट में, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को जो मैंने ड्राइंग बनाई, उनकी पेंटिंग बनाई, अच्छी लगी होगी। और हम्बीर राम मोहिते उनकी आप लोगों को हिस्ट्री भी अच्छी लगी होगी सुनने में। एंड साथ ही साथ यार, अगर अच्छा लगा है वीडियो ना तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर आप लोगों को ये हिस्ट्री भी अच्छी लगी, जानने में अच्छी लगी, तो यार कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में उन वीर मराठों की हिस्ट्री प्रेजेंट करूँ। साथ ही में अगर आप लोगों ने पिछले दो वीडियोज़ नहीं देखे इस सीरीज़ के, तो मैं आई बटन में दे ही रहा हूँ। साथ ही में अगर आप लोगों को देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है इस सीरीज़ की, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हो, और फिर वहाँ पर वो दो वीडियोज़ होंगे तो आप लोग वो देख सकते हो। एंड एक और चीज़ यार, आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एंड यार खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोग इस चैनल से कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड आर्ट का मस्त सा नॉलेज और साथ ही साथ हमारे इंडिया की हिस्ट्री भी आप लोग इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड एक और चीज़ यार, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई कि यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो भी हम लोग जो एट पेंटिंग्स बनाएंगे उनके रील्स और पोस्ट, साथ ही साथ हम मेरे और भी आर्टवर्क्स आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पर फॉलो भी कर दीजिए। और आप लोग चेक भी कर सकते हो मैंने कौन से आर्टवर्क्स बना रखे, क्या क्या रील्स, इंफॉर्मेशन वाले रील्स शेयर कर रखे, चाहिए फिर देखिए और फॉलो भी कर दीजिए। एंड हाँ, मेन बात ये कि इस वीडियो को आप लोगों को हर एक के पास, आपके इंस्टा ग्रुप पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, या फिर आप लोगों के हर एक कॉन्टैक्ट के पास, भले वो रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप लोगों को हर एक के पास इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि हर एक इंडियन को अपनी हिस्ट्री जानने का हक है और वो उनको जाननी ही चाहिए। तो ये आप लोगों को प्लीज़, ये छोटा सा एक काम है वो आप लोगों को कर देना है यार, हर एक को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा इंडिया का पास्ट है, हमारे इंडिया की हिस्ट्री है, ये हर एक इंडियन को जानने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एंड अगर उनको भी कह दीजिए कि यार, अगर उनको भी अच्छा लगता है तो उनको भी कह दीजिए कि इसमें भी अभी 5 वीडियोस बाकी है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात बताओ, आप लोगों को थोड़ी बोर लगेगी सुनने के लिए,
बट प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी व्यूअर इस चैनल से आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस करे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन उनको इस वीडियो से बहुत मिलने वाली है, बहुत फ़ायदा होगा। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसमें मैंने पहले बताया शेयर भी करना इस वीडियो को, और लाइक भी कर दीजिए यार अच्छा लगे तो। तो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट सरप्राइजिंग वीडियो में। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें बताई प्लीज़ उनको कर दीजिएगा यार। एंड ठीक है, एक चीज़ और कभी मत भूलना, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़ मत भूलना, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।